भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जी हां, भले ही खेसारी शांत थे, शो की शुरुआत में उन्होंने अपने शांत व्यवहार से लोगों को आश्चर्यचकित तो किया ही हुआ था, लेकिन अब उन्होंने अपनी शांति, अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अब बताते हैं हुआ क्या है। आपको तो पता ही है कि इन दिनों बिग बॉस के घर में घमासान छिड़ा हुआ है। और होड़ लगी है कि किसकी टीम टास्क में सबसे बेहतर करेगी और कौन सी टीम जीतेगी। तो आपको बता दें कि इसी टीम के जीतने और जितवाने के चक्कर में सिद्धार्थ शुक्ला और खेसारी लाल यादव भिड़ गए। खेसारी लाल यादव ने से बातों बातों में कहा कि असीम ने उन्हें उंगली पर हर्ट किया, जो बात सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत बुरी लगी। सिद्धार्थ ने बीच में कूदते हुए कहा कि ये बिग बॉस है। वैसे जैसे कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, जब खेसारी लाल यादव असीम के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि उनके वजह से वो हर्ट हुए हैं, तब असीम उन्हें एक बेरुखी सा जवाब देते हैं, वेलकम टू बिग बॉस, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस तरह का जवाब असीम की तरफ से आएगा। लेकिन आपको यहाँ ये बता दें कि खेसारी लाल यादव और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच हुई इस बात में खेसारी लाल यादव ने भी सिद्धार्थ शुक्ला को जमकर सुनाई। वैसे खेसारी लाल यादव की बात करें तो सभी ये घर में जान चुके हैं कि खेसारी बेवजह कुछ नहीं बोलते। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो उन्हें घर का सबसे लड़ाकू सदस्य कहा जाता है। कहा जाता है कि सिद्धार्थ किसी से भी कभी भी भिड़ जाते हैं। वैसे भी आपने देखा ही होगा कि सिद्धार्थ की लड़ाइयां घर के सभी मेंबर से हो चुकी हैं। और जैसे ही सिद्धार्थ ने खेसारी लाल यादव को खरी खोटी सुनाने चाहिए, अपना रौब दिखाना चाहा, तो खेसारी लाल यादव ने भी उन्हें जमकर जवाब दिया और हद में रहने की हिदायत तक दे डाली। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।